2024 की जनवरी में राम मंदिर को भक्तों के लिए खोलने की बात लगातार कही जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए जाने हैं। सरकार ने इस दिशा में अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इसके लिए 77 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। प्रभु श्री राम का ये मंदिर कुछ यूं आकार ले रहा है। निर्माण से जुड़े लोग दिन रात राम के काम में जुटे हुए हैं ताकि प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य वक्त पर पूरा किया जा सके, जिसकी गवाही अब ये तस्वीरें भी ले रही है। इस निर्माण कार्य की प्रगति को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुछ रोज पहले ही इस सिलसिले में यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने इसकी जानकारी दी थी। इसके संबंध में डिफरेंट जोन्स में क्या सिक्योरिटी व्यवस्थाएं कर रही है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है और आने वाले दिनों में जैसा हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर से अयोध्या में दर्शनार्थियों का भी काफी आना जाना होगा, इसलिए हम लोगों ने लगभग 77 करोड़ के डिफेंस का लाइसेंस दिया है। खास बात यह है कि राम मंदिर की सुरक्षा में पुलिस फोर्स से ज्यादा हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दरवाजों की निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। पूरे मंदिर परिसर में करीब 800 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, साथ ही साथ एक्सरे मशीन का भी इस्तेमाल होगा और 24 घंटे ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जाएगी। इतना ही नहीं, वॉच टावर और सरयू नदी में तैनात की जाने वाली बख्तरबंद बोट को भी खरीदा जाएगा। मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले इन रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 77 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 4 अलग अलग फोर्सेस को मिलाकर स्पेशल फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसकी तैनाती कब और कहां होगी इसका फैसला सरकार लेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी है, पीएसी है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है और सिविल पुलिस है, 4 तरह की फोर्सेज है। तो ये नीतिगत निर्णय है कि गर्भगृह में, सैंक्टम सैंटोरम में किसकी ड्यूटी होगी, उसके बाहर परिसर में किसकी ड्यूटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर पर किसकी ड्यूटी होगी, एक्सरे के लिए किसकी ड्यूटी होगी और पूरे रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, ब्लू जोन में किसकी सिक्योरिटी होगी। तो ये नीतिगत निर्णय है जो शासन लेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इस टास्क को डिवाइड करेंगे, लेकिन पूरा अम्ब्रेला डिस्टेंट डीजी जोन और एसडीजी एलओ के अंडर रहेगा। और हम इस आश्वस्त करते हैं सभी को, जो भी हमारे दर्शनार्थी आएंगे, हमारे सभी परिवार के लोग हैं, और बेस्ट से बेस्ट सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से ही अयोध्या में साल दर साल रिकॉर्ड संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं। खासकर विशेष धार्मिक आयोजनों के वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु प्रभु श्री राम की नगरी में आ रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि राम मंदिर के कपाट जनवरी 2024 में खुलने के बाद इन श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। लिहाजा पुलिस महकमे ने इन भक्तों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दी है। आज जब हम लोगों ने बात किया तो एक एक चीज, कहां लोग जूता उतारेंगे, अंदर किस तरफ से जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, कहां से प्रसाद खरीदेंगे, वापस अपने बच्चे के साथ में बच्चे कहां से कैसे बाहर निकालेंगे, बूढ़ा आदमी कैसे जाएगा, हर चीज की माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। यूपी सरकार ये सारी कवायद इसलिए कर रही है ताकि अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी न हो। मंथन इस बात का कि फिजिकल पुलिसिंग के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से उपयोग किया जाए, मंथन इस पर कि जल थल और नभ से कैसे एक साथ अयोध्या पर निगाह रखी जा सके, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर एक ऐसी व्यूहरचना तैयार की जा रही है कि स्पेशल फोर्स भी तैनात की जाएगी और ऐसा बहुत कुछ होगा जो अयोध्या की सुरक्षा को हाईटेक बना देगा। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।